सुबह के 10, तो मैं आ गई हूँ घर से सारा काम ख़त्म करके। और कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ आप लोगों को। आज 2 फरवरी है, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों की शिवरात्रि कैसी रही, किस तरह से आपने मनाई। मेरी भी अच्छी रही, मैंने फास्ट किया हुआ था, बट सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि फ़ोन मेरा लग गया था वंशु के हाथ में, और उसने जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी ना छोटी छोटी क्लिप, वो उसने डिलीट कर दी। और आज मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही ज़्यादा। वो क्या ख़ास है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं सबसे पहले तो वो बताती हूँ, फिर जो ख़ास बात है वो बताती हूँ। और यहाँ पर लिफाफे में मैंने भरे हैं शिवजी भगवान जी, जो कि हम मिट्टी का बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन। और जब व्रत खोलते हैं दूसरे दिन, तो उसके बाद जो शिवजी का परिवार है, परिवार सहित शिवजी को पानी के पास छोड़ते हैं। तो अभी जा रहे थे हम इस रास्ते से, तो आगे बावड़ी है, बस बावड़ी के पास छोड़ना है इसको, और मैं और चेतन। तो बता देती हूँ आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ इसके स्कूल में, क्योंकि इसकी एडमिशन करवाई थी 2 दिन पहले, और खाली एडमिशन तो टीचर्स ने कर दी थी, बट कुछ एक डॉक्यूमेंट्स थे, और एडमिशन के साथ साथ इनकी फ़ीस भी जमा होती है। तो उस दिन ये पैसे लेकर के नहीं गया था चेतन, और जो भी इसके पास पैसे थे वो कम पड़ गए थे, तो इसलिए आज मैं इसके साथ जा रही हूँ। तो इसके डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं स्कूल में, और जो फीस चार्ज लेते हैं वो भी जमा करवानी है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी आजकल इनकी पढ़ाई नहीं चली है, तो ये भी मेरे साथ में ही जा रहा है, और हम दोनों चल पड़े हैं रोड से। रास्ते में मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि हमें वहाँ गाड़ी मिल गई थी, और अभी मैं पहुँच गई थी स्कूल में चेतन के। तो यहाँ पर कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि ये देखिए, ये चेतन के भरे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे सिग्नेचर, इनके मेरे सिग्नेचर होने थे, तो वही बस मुझे आज करने थे, और वो करने के बाद में फिर मैं आगे। तो चेतन की एडमिशन तो करवा ली मैंने, और उसके बाद में मैं आ गई थी घर में। घर में आने के बाद में पशुओं को खोला, और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और देखिए फिर से बादल आ गए हैं, कल के लिए फिर से मौसम ख़राब बताया एक दिन का। मैं लकड़ी ढो रही थी, तो देखते हैं कल बारिश होती है या नहीं होती है। और हाँ, अब मुझे आप लोगों के साथ में कुछ बात करनी थी। बात क्या करनी थी, ऐसे ही अपनी बस एक स्टोरी थी जो शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। और वो स्टोरी क्या है कि आज के दिन जो है, तो हमारी शादी हुई थी, यानी कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, इंग्लिश में बोले तो मैरिज एनिवर्सरी। और 13 साल कंप्लीट हो गए हमारी शादी को किए हुए, और 12 साल का मेरा चेतन हो गया। तो पता नहीं चला कि ये जो 13 साल है वो किस तरह से बीत गए, इन 13 सालों के बीच में कैसी परिस्थितियाँ रही, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। बस हाँ, कुछ एक बातें हैं, कुछ एक यादें हैं जो हमेशा रह जाती है इंसान के दिल में, वो कभी मिटती नहीं है। और आज का जो ब्लॉग है वो ख़ास है, अपने ब्लॉग के थ्रू मैं अपने पतिदेव जी को कहना चाहूँगी हैप्पी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड जी। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि आप हमेशा खुश रहो, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहने चाहिए, सभी खुश रहने चाहिए। वक्त वक्त की बात है, वक्त कब जैसे बीत जाता है इसका कोई हमें आइडिया नहीं होता। मैं अपनी बात करूँ तो 13 साल पहले मैं कहाँ थी, और 13 साल बाद में कहाँ पहुँच गई। इन 13 सालों में मैंने क्या खोया है, क्या पाया है,
जब इसका मैं मायना करने लगती हूँ ना, तो हमेशा आँख में एक तरफ खुशी नज़र आती है, दूसरी तरफ आंसू नज़र आते हैं। अब क्या करना, आंसू को याद रखे तो वो परेशान होते हैं, और अगर खुशियों को छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाएं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। तो इसलिए कहती हूँ कि हमेशा जितना भी हो सके इंसान को हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी खुशी तो पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी में आएगी और वो कौन सा दिन होगा। अगर हम उसी दिन का वेट करते रहेंगे, बैठ के इंतज़ार करेंगे, तो शायद जो छोटे छोटे खुशी के मौके हमारे हाथ में होते हैं वो भी निकल जाएंगे। इसलिए मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि खुश रहूँ, हमेशा खुश रहूँ। क्योंकि आज जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह चेतन के स्कूल गई थी, उसकी एडमिशन करवाई, और कभी हमारा टाइम, जब मैं अपना टाइम याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, आजकल तो जो आजकल के बच्चों को मिलता है वो हमें नहीं मिलता था। अब इसकी एडमिशन हुई, इसको जूते चाहिए, दो ड्रेसेस चाहिए, दो जोड़ी जूते चाहिए, हर एक फैसिलिटी चाहिए। और हमारे टाइम में तो घर से टिफ़िन पैक करके जाते, और हमारा जब टाइम था, जब मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया था, तो हमें तो कोई टिफ़िन पैक करके नहीं देता था, ना हमारे पास दो जोड़ी जूते होती थी, ना हमारे पास दो जोड़ी ड्रेस की होती थी। तो एक बार की याद आई मुझे इस बात से कि मेरे पास ना, एक बार मैं शायद तीसरी या चौथी क्लास में थी, चौथी क्लास में, और वो मुझे भूलती नहीं है कभी भी बात, वो भूलती नहीं है। तो मेरे पास ना जूते नहीं थे, जूते फट गए थे, प्लास्टिक के जूते होते थे वही पहन के हम स्कूल जाते थे, वो फट गए थे जूते मेरे, और नीचे से ना बिल्कुल टूट गए थे। तो मैंने मम्मी को बोला अपनी कि माता जी मुझे जूते ले लो, मेरे पास जूते नहीं हैं और मैंने नहीं जाना स्कूल, अगर आप मुझे जूते नहीं लोगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा बेटा मैं अभी नहीं लूँगी तेरे को, मैं कल जाऊंगी दुकान, क्योंकि हमारे यहाँ पे है भी ऐसे ही, दुकानें बहुत दूर दूर है, आना जाना ही पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और अब तो हम इस साइड को सड़क आ गई है, तो हम सरयान साइड को चले जाते, नहीं तो हम कहाँ जाते थे सामान लेने, धुंधन जाते थे, और धुंधन यहाँ से सीधा नीचे को उतराई, फिर ऊपर को चढ़ाई, तो फिर ऐसे ही सारा दिन वेस्ट हो जाता था। मेरी मम्मी ने बोला इतने सारे पशु है बेटा, मैं कैसे जाऊँगी आज, मैं कल जाऊँगी तेरे लिए जूते लेकर के आऊँगी, तू आज स्कूल चले जा। और आजकल के दिन थे, सर्दियां जैसी ही थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। आजकल के दिन थे, हमारी जो पेपर थे मतलब एग्ज़ाम थे आने वाले थे, तो मैंने बोला मैंने नहीं जाना स्कूल। मम्मी ने बोला क्यों नहीं जाना स्कूल तुझे, स्कूल तो जाना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे जाऊँगी, मेरे पास तो जूते ही नहीं है, मैं फटे हुए जूते लेकर के नहीं जा सकती। तो मैं वहाँ पर बैठ गई आंगन में और रोने लगी कि मम्मा मुझे जूते ले लो, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। और मेरी मम्मा आए, वो जो हरी घास होती है वो पशुओं को दे रहे थे, मेरी मम्मा आए, मैं बैग लेकर के ऐसे बैठी थी चुपचाप, मेरी मम्मी आए और उन्होंने बिना पूछे चुपचाप से एक डंडा निकाला, उससे बिल्कुल पतला सा, हरा पतला पतला सा और इतना लंबा, और मम्मी ने पीछे से दो मारी उसकी और कहा बोला जाएगी नहीं स्कूल। मैंने क्या किया, जो फटे हुए जूते थे उनको लेकर के तो मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो आधे रास्ते में खुल करके कहीं भी गिर जा। मैंने क्या किया, मैंने जो जूते पहने हुए थे फटे हुए वो वहीं पे खोले और मैं चल गई नंगे पाँव, रोते 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 चली गई। और फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मैं घर से नीचे उतरी, दो खेत नीचे उतरी, तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी ना पीछे से आएगी और मुझे कहेगी कि नहीं मैं तेरे साथ चलती हूँ। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरी मम्मी पीछे से आएगी, मेरे ऐसे बोलेगी कि मैं तेरे साथ चलती हूँ, तुझे जूते लेकर के दे देती हूँ, पर नहीं, मम्मी ने ऐसे नहीं बोला। और मम्मी, मैं देखती रही पीछे बार बार मुड़ करके, जहाँ तक मतलब मैं नीचे उतरी नहीं डाउन में, और जहाँ तक मुझे घर दिखाई देता था कि मेरी मम्मी आएगी पीछे से आएगी, बट मम्मी नहीं आई, मम्मी नहीं आई और मैं नंगे पाँव चली गई स्कूल, नंगे पाँव स्कूल। और स्कूल हमारा यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर है नीचे धुंधन, तो मैं नंगे पाँव स्कूल तक पहुँच गई। और जब आई घर तो सभी होते थे ऐसे ही, पास में मैडम थे बैठे हुए, मैडम ने बोला
स्कूल के जो जूते थे बाहर खोलते थे। उस दिन मुझे लेट भी होगी, स्कूल पहुंचते पहुंचते सभी बच्चे अपनी क्लास में जा चुके थे, अपनी अपनी क्लासें लगा रहे थे और मैं सबसे लेट पहुंची। बाहर एक मैडम थे, वो शायद डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के थे, बहुत ही अच्छे थे बेचारे। उन्होंने बोला मुझे कि तुझे तू क्या आई कृष्णा, तू कहाँ थी, बैग लेकर के आ रही, तेरे जूते कहाँ हैं। मैंने बोला मैं जूते लेकर के नहीं आई हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे जूते नहीं दिए और मेरे जूते फट गए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, जब तू शाम के टाइम घर जाएगी ना तो मेरे साथ चलना और मैं तेरे को जूते ले लूँगी। तो मुझे ना उन जूतों का इतना डर कि जब छुट्टी होगी मुझे, मैडम मुझे अपने साथ ले जाएगी तो वो मुझे जूते लेकर के देंगे, तो मैं घर में क्या जवाब दूँगी, क्या बोलूँगी मैं कि जूते कहाँ से लाए। क्योंकि हमारी मम्मा ने हमें यही से हमेशा से सिखाया है कि बेटा कभी किसी की चोरी नहीं करना, हमेशा सच बोलना, सच का साथ देना। तो मैंने सोचा मम्मी के पास सच भी बोलूँगी तो मम्मी यकीन नहीं करेंगे, मम्मी ये सोचेंगे पता नहीं आज किसके जूते लेकर के आई है, क्योंकि इसके पास जूते नहीं थे। तो मैं मैडम से भी चोरी चोरी चुपके चुपके घर आ गई और फिर मेरी मम्मी ने दूसरे दिन जा कर के मुझे जूते दिलाए। और जब मैं शाम को घर आई स्कूल से तो मम्मी ने पूछा कि हाँ कैसे लगे जूते, अगर स्कूल नहीं गई ना तो तुझे जूते ही पड़ेंगे। तो हमने इस तरह से भी अपना जो जीवन का जीवन यापन है वो किया है। अब तो काश, मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चों के पास तो सब कुछ है, माता रानी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, सब कुछ है। और कल ये उनके पास जो चीज़ें हैं ना, हम उन चीज़ों के लिए तरसते थे, बहुत ज़्यादा तरसते थे, फिर भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती थी। मैं बहुत लकी हूँ, सच में लकी हूँ कि मुझे मेरी माँ का प्यार मिला। मेरी मम्मा ने मुझे इतना ज़्यादा मतलब खुद अनपढ़ होकर के भी मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं दो अक्षर लिख सकूँ, जान सकूँ, पढ़ सकूँ। तो शायद मैं ज़्यादा ही कुछ इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती अपनी जो मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है, मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, किसी को भी नहीं। क्योंकि अगर हद से ज़्यादा किसी को अपना समझो ना तो वो भी कुछ उल्टा ही सोच बैठता है। तो और पता है मेरे साथ जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं ना, वो मेरे अगर मैं एक बात कहूँगी ना तो सारी बातें समझ भी जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, दिल से शुक्रिया आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सम्मान दिया मुझे, मैं इसे तो कभी भूल नहीं सकती हूँ। चाहे मुझे YT से कुछ मिले या ना मिले, पर जो मैंने सम्मान, अपनापन और जो रिश्ते YouTube से पाए हैं ना, उन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और एक बार फिर से हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड जी। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।